हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक अध्यापक मानदेय अपडेट माह मई 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त का एक नया अपडेट के बारे में आज बात करने वाला हूँ मानदेय को लेकर झारखंड सहायक अध्यापकों के लिए। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताए थे कि सभी जिले को जो है कि आप लोग का आदेश मिल चुका है कि जल्द से जल्द जो है कि CPFMS के पोर्टल पर डाटा और चिट्ठी अपलोड करें ताकि जल्द से जल्द जो है कि आप लोग का मानदेय भुगतान हो सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किन किन जिलों का जो डाटा और चिट्ठी अपलोड हो पाया है और किन किन जिलों का जो डाटा और चिट्ठी अपलोड नहीं हो पाया है, क्या ईद से पहले मानदेय भुगतान होगा या फिर नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, वीडियो अच्छा लगता लाइक कमेंट से जरूर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर ताकि इस तरह जो भी अपडेट आएगा आपको इस नंबर देखने को मिल जाएगा। चलो देखते हैं कि पूरा डिटेल्स में क्या जानकारी आपको दिया गया है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले वीडियो का जो कि मैंने बताए थी जो अपडेट दिया गया था शकील भाईजान के द्वारा 12 तारीख को, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है कि मई महीने का जो डाटा है यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी जिलों को जो है कि आदेश मिल चुका था कि जल्द से जल्द जो है कि अपने जिले के डाटा और चिट्ठी अपलोड कर रहे PFMS के पोर्टल पर। ठीक है, तो सभी अगुवा साथियों को जो है कि आप लोग आदेश दे चुका था, लेकिन फिर भी इसमें जो है कि कुछ जिलों का जो है कि कल अपना डाटा और चिट्ठी अपलोड हो पाया था और अभी तक कुछ कुछ जिलों को जो डाटा और चिट्ठी अपलोड नहीं हो पाया है PFMS के पोर्टल पर। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि आप लोग का ईद से पहले मानदेय भुगतान होगा? तो आज जो है कि आप लोग का शनिवार है, कल आपका रविवार है। ठीक है, यानी कि आज और कल कुछ भी काम आप लोग का नहीं होगा। फिर आपका जो है कि सोमवार को जो है कि आपका ईद है, तो सोमवार को भी आप लोग का कोई भी काम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग का ईद से पहले आप लोग का मानदेय भुगतान नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जो भी होगा आप लोग का मंगलवार को ही आप लोग का नया अपडेट दिया जाएगा मानदेय को लेकर। जो भी अपडेट आएगा शकील भाईजान के द्वारा मानदेय को लेकर, वो मंगलवार को ही आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। अभी कोई भी आपका शकील भाईजान के द्वारा मानदेय को लेकर नया अपडेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, हम जानकारी के अनुसार जो है कि कुछ कुछ जिलों का डाटा और चिट्ठी अपलोड हो पाया और कुछ कुछ जिलों का डाटा और चिट्ठी अभी तक अपलोड नहीं होती। जब तक सभी जिलों का डाटा और चिट्ठी अपलोड नहीं हो जाता है तब तक जो है कि मानदेय भुगतान होना असंभव है। ठीक है, तो यह अपडेट दिया गया था आज की इस वीडियो में। शकील भाईजान के द्वारा कोई भी अगर नया अपडेट आएगा तो हो सकता है कि आप लोग को मंगलवार को ही आपका नया अपडेट आएगा। अब सोमवार को जो है कि आप लोग का ईद है, ईद में तो आप लोग का अपडेट नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस बंद रहेगा। ठीक है, तो इसी के चलते जो भी नया अपडेट आएगा आपको मंगलवार को आएगा। मंगलवार से ही आप लोग को कोई भी मानदेय को लेकर नया अपडेट आएगा तो आपको न्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।